नमस्कार सभी को। आज की संस्कृत व्याकरण क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है अव्यय। अव्यय के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अव्यय शब्द की व्युत्पत्ति देखते हैं। न वेति इति अव्ययम्, अर्थात जिसमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अव्यय। जैसा का तैसा रहता है। न वेति इति अव्ययम्, वेति से तात्पर्य विकार, व्यय, जिसमें किसी प्रकार का व्यय नहीं होता, विकार नहीं होता, उसे अव्यय कहा जाता है। सामान्य रूप से शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिन शब्दों में विभक्ति, वचन, लिंग के प्रयोग से उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। वे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्दों की बात करें, जिन शब्दों में विभक्ति, वचन और लिंग आदि के प्रयोग से कोई परिवर्तन नहीं होता है। उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अव्यय भी हमारे अविकारी शब्द होते हैं। संस्कृत में अव्ययों की परिभाषा देखते हैं, हम श्लोक के माध्यम से समझेंगे। सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन् वेति तदव्ययम्, अर्थात सदृशम त्रिषु लिंगेषु, तीनों लिंगों में
सदृश सर्वासु च विभक्तिषु सातो विभक्तियों में वचनेषु च सर्वेषु तीनों वचनों में यत्न वेति तदव्ययम् जिन शब्दों में विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अव्यय। जो शब्द तीनों लिंगों में सातों विभक्तियों में तीनों वचनों में समान रहते हैं उनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अव्यय कहा जाता है। हिंदी में परिभाषा देखिए। जो शब्द तीनों लिंगों में सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में समान होते हैं उन शब्दों को अव्यय कहा जाता है। यथा च तत्र यत्र यथा अद्य। इन प्रकार के शब्द अव्यय होते हैं जिनमें तीनों लिंगों में सातों विभक्तियों में इन प्रकार के शब्दों में सातों विभक्तियों में इन प्रकार के शब्दों में तीनों लिंगों में सातों विभक्तियों में और तीनों वचनों में समान होते हैं कोई परिवर्तन नहीं देखा जाता है वे शब्द अव्यय कहलाते हैं। और हम अगले वीडियो में इन अव्यय का अर्थ और उदाहरण वाक्य में प्रयोग से समझेंगे। धन्यवाद।